हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजने वाले हैं और करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। फ्रेंड्स, मम्मी ने भी सुबह सुबह नहा धोकर कपड़े अपड़े धो दिए हैं। आज हम लोग जल्दी उठ गए, नींद खुल गई थी तो जल्दी उठ गए। पानी भी आने लग गया है अब। सो फ्रेंड्स, मम्मी भी पूजा पाठ के लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर के आ गए हैं और अब मम्मी तैयार हैं पूजा करने के लिए। और ये बिजलू भी उठ गया, आ गया था बिजलू भी कल रात को। बिजलू, हाँ ठीक नहीं हुआ ओ बिजलू। और ये सो रहा है हमारा भोलू। भोलू बेचारा बहुत दर्द में है, इसकी आंख में भी ये चोट लगा करके आ गया। पता नहीं आजकल इसको चोट ही लगने में। ये कल रात जब से आया तब से अंदर ही है और सोया हुआ है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हम लोगों का भी बन करके ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। आज हम लोगों ने सुबह उठ करके जल्दी जल्दी नहा लिया और वैसे भी अच्छा ही हुआ क्योंकि लाइट ही चली गई है। आज और जल्दी लाइट चली गई तो बाद में पानी गर्म कैसे होता, तो इससे अच्छा यही हुआ कि जल्दी उठने का फायदा हो गया कि जल्दी नहा लिया। तो फिलहाल करते हैं हम लोग अभी ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर के मम्मी की तो हो चुकी है तैयारी। मम्मी आज कर रही है फावड़े की धार तैयार, क्योंकि मम्मी करने वाले हैं फिर से घास घूस की कटाई। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो चुका है मम्मी का भी घास कटाई का काम। देखिए यहाँ पर कितने सारे घास हो रखे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इसीलिए मम्मी बिल्कुल धार बना बनो करके लेकर के आए। तो मम्मी तो लगे हैं पूरी सफाई करने में। मम्मी कह रहे हैं कि मम्मी को ये पूरा साफ करना है आज। सो फ्रेंड्स, देखिए मम्मी ने पूरा साफ कर दिया। यहाँ पर कितने बड़े बड़े घास थे और अब मम्मी ने पूरा इसको देखो साफ करके इतना अच्छा बना दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मम्मी फावड़े से करने पे लगे थे, अब धराती से करने लग गए। ये देखिए कितना घास ही घास था यहाँ पर, मम्मी ने पूरा साफ कर दिया। अब कितना साफ सुथरा हो गया, बारिश में घास भी फटाफट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने तो पूरी सफाई कर दी है इस साइड की। बहुत ज़्यादा घासी घास हो रहा था तो फिर मम्मी ने ये देखिए पूरा साफ कर दिया है यहाँ से। और अब मम्मी इधर की सफाई करने पे लगी। तो फ्रेंड्स, इस साइड का तो मम्मी ने पूरा साफ कर दिया है घास। अब मम्मी लग गए हैं इधर से घास निकालने में। ये देखिए कितना सारा हो रखा है, पूरा घासी घास। आज मम्मी पूरा साफ कर देंगे इस साइड का भी। दो चार दिन से मम्मी कहने पे लगे थे कि साफ करना है साफ करना है, तो आज फटाफट लग गए हैं मम्मी करने में। सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग, तो इससे पहले कि धूप ज़्यादा तेज हो कि घास वगैरह पूरा काट के निपटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज घर के साइड की सफाई चल रही है। आगे साइड की तो मोस्टली करते रहते हैं, लेकिन इस साइड को इतना बैठना उठना नहीं होता है तो इस साइड का रह ही जाता है। ये देखिए अभी तो इतना सारा घर का, ये इतना पूरा। मम्मी, ये तो पूरा निकालोगे क्या घर के साइड का, पूरा वो दीवार तक? मम्मी कह रही है पूरा वो दीवार तक साफ करेंगे। बाप रे, आधा से ज्यादा बाकी है अभी। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने तो कर दिया है आज पूरा साफ, बस अब इतना ही बाकी रह गया है। बस ये लो फाइनल घास बचा था, वो भी हो गया। मम्मी तो पूरे तरीके से साफ कर दे रही है, एक घास भी नहीं बचना चाहिए। चले चलो चलो, ये देखो पूरा साफ कर दिया। और वो देखो आगे भी पूरा साफ कर दिया है मम्मी ने, और सारे घास की ढेर यहाँ पर लगा दी। ये जो घास की ढेर लगा रखी है, ये जब सूख जाएगा तो इस पर आग लगा देंगे। और ये देखो अब कितना साफ हो गया, पहले कितना जंगल हो गया था यहाँ पे। आइए आइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं? देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर के बैक साइड से सफाई करके आए और मम्मी अभी देखो अब आगे लग गए साफ करने में। ये एलिवेटर है,
भोलू ने मम्मी को डरा दिया और वो मम्मी अपने काम में बिजी थे, भोलू साइलेंटली आया, उसने चीख मारा, मम्मी डर गए और ये हमारा बिजलू सो रहा है, आज दोनों घर पर ही हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली कंप्लीट हुआ बाहर का काम और अब चलते हैं अंदर। मम्मी तब से कह रहे हैं हो गया काम पूरा लेकिन लग नहीं रहा इनका काम पूरा हुआ है। तो फ्रेंड्स बाहर का भी काम हो चुका है और अंदर के भी हम लोगों ने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, बस खाना बनाना बाकी है। तो मम्मी बनाएंगे खाना और मैं करती हूँ सिलाई मशीन का काम। तो फ्रेंड्स हम लोगों का दिन का लंच भी बनने लग गया, आज मम्मी बना रही है झोई। तो फ्रेंड्स दोपहर के 12 बजने वाले हैं और हम लोगों की दाल तो बन चुकी है, अब चावल बनना बाकी है। तो अब चावल बनाते हैं और थोड़ी देर बाद करेंगे हम लोग अपना लंच। सो फ्रेंड्स हम लोगों का खाना पीना भी हो चुका है और हम लोग के समय है घर के बाहर। आज बहुत तेज हवा चल रही है, धूप के साथ साथ हवा, लेकिन बाहर अच्छा लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन तक काफ़ी ठंड रही तो उस वजह से अब ये धूप भी उतना वो गर्म नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। सो फ्रेंड्स चलते हैं अब अंदर और होते हैं तैयार, बिकॉज आज थर्सडे है और आज थर्सडे मार्केट जाएंगे, साग सब्जी वगैरह लेकर के आएंगे। तो टाइम से जाते हैं ताकि ट्यूशन पढ़ाने से पहले घर भी पहुंच जाए। फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं तैयार और चलते हैं अब थर्सडे मार्केट, लेकर के आते हैं सब्जी। सो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम लोग भी थर्सडे मार्केट, बहुत पतला पतला सा लग रहा है। काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ यहाँ पर सब, हर थर्सडे को मार्केट लगती है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पर सारे फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने फ्रूट्स भी ले लिया है, वेजिटेबल्स भी ले लिए हैं, अब बस नमकीन लेते हैं और घर को चलेंगे फिर। फ्रेंड्स ये बेलपड़ाव का प्राइमरी स्कूल है, देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से बना दिया गया, ये पेंटिंग वगैरह कर दी गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए इंडिया, ये हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जितने भी ऑल स्टेट के डांस फॉर्म होते हैं अलग अलग, वहाँ का फोक डांस होता है लोकल, और जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, मणियम और सारे डांस फॉर्म अच्छा बिहार के हैं, उन सब जितने भी कथक से लेकर भरतनाट्यम से लेकर जो भी कलाएं हैं डांस की वो सारे फॉर्म बनते हैं यहाँ पे, ये पूरे 20 वर्ष है। ओके ओके, देखिए भैया जी आप कहाँ से आ रखे हैं भैया? मैं बनारस से हूँ। अच्छा ये भैया बनारस से आ रखे हैं, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। ये देखिए ये सारी पेंटिंग इन्होंने कर रखी हैं, अब ये कम्प्लीट नहीं हुई है, अब ये कम्प्लीट होगी, कुछ टाइम बाद फिर आएंगे हम और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि ये पेंटिंग किस टाइप की बनी है। देखिए फ्रेंड्स बेल पड़ाव की रोड भी कितनी चेंज हो चुकी है, पूरा मार्केट से लेकर के यहाँ रोड तक सब डिफरेंट है, आज काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा एकदम साफ़ हो चुका है, सारी चीज़ें साइड वगैरह भी सब साफ़ कर दी गई है। फ्रेंड्स आज तो पूरा बेल पड़ाव पतला पतला सा लग रहा है, मैं तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे, 2 हफ्ते बाद आ रही हूँ ना, 2 हफ्ते में बेल पड़ाव इतना बदल गया जो रोडों के किनारे किनारे से जितने भी वो थे टीन वगैरह लगाए हुए थे, स्टॉल्स वगैरह थे, सब हटा दिए हैं, एकदम साफ़ हो चुकी है रोड भी और काफ़ी अच्छी एकदम स्मूथ सी रोड बन चुकी है। आजकल जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं। फ्रेंड्स पहुंच गए हम लोग भी घर और हमारा ये बिजलू कहाँ बैठा हुआ है, तू हमारे इंतजार में था, तू ही तो बाहर निकला, खोलो खोलो भाई दरवाजा, बिजलू के लिए दरवाजा खोलो। ये देखो बिजलू को कितना रो रहा है, एक्चुअली ये रो नहीं रहा है, ये नमकीन मांग रहा है कि तुम बाहर से आए हो अब मुझे 2 नमकीन। ये देखो आते ही बिजली को ये चाहिए था इसीलिए ये रो रहा था। बाप रे बहुत गर्म हो रहा है बाहर,
और सब्जी इतनी भारी हो जाती है लाने में, बाप रे कितना भारी हो रहा था वो थैला। तो फिलहाल करते हैं रेस्ट, मेरा ट्यूशन का भी टाइम हो गया, करेक्ट टाइम पर पहुंचे हैं हम लोग, तो रेस्ट करने को नहीं मिलेगा। हाँ देखा कितना भारी भरकम लेकर आई, अब मालूम चला मम्मी को, अब मालूम चल रहा है मेरा जो बैग था वो कितना भारी था। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने तो सारी सब्जियां इतने फटाफट से संभाल भी दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा करके हो चुका है, अब चाय भी बना दी है, तो फिर अब पीते हैं चाय। इस टाइम पर हम लोग ब्लैक टी लेना प्रेफर करते हैं, तो इस टाइम पर हम लोग ब्लैक टी बना करके ब्लैक टी पीते हैं। फ्रेंड्स, आज भी लाइट नहीं आ रखी है, सुबह आज 8 बजे से पहले लाइट चली गई थी और बिना लाइट के रहना पड़ रहा। चलो अब बाहर चलते हैं और बाहर बैठ करके चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग भी बाहर। ये देखो, ये जो दो थैले लटक रहे हैं, ये दो थैले भर के हम सब्जी लेकर के आए थे। आलू बहुत भारी होते हैं भाई, चाहे जो भी बोलो, आलू का इतना वजन क्यों होता है? आलू बहुत भारी हो रहे थे। और ये देखो, बिजलू यहाँ है और भोलू अंदर सोया हुआ है। बिजलू तो ज़्यादातर धूप में ही रहता है, हाथ कैसे कर रखा है उसने अपना वो। ये देखो बिजलू को, दांत भी दिख रहे हैं बिजलू के। फ्रेंड्स, चाय वगैरह पी करके आ चुके हैं हम लोग किचन में, और आज जल्दी जल्दी बना रहे हैं खाना क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट तो सुबह इतनी जल्दी चली जा रही है और लाइट आ नहीं रही है, तो लाइट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल, इसीलिए मम्मी फटाफट खाना बना दे रहे हैं। अंधेरा होने से पहले ही खाएंगे हम अपने टाइम पर ही। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हो रहा है रात के 8:30, तो बन चुका है हम लोगों का भी डिनर। तो अब मम्मी भी ले आए इस कमरे में बर्तन वगैरह, खाना वगैरह सब, तो अब हम लोग करते हैं डिनर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बिजलू कैसे सोया हुआ है, बिजलू का स्टाइल भी अलग ही है। फ्रेंड्स, हो चुका है हम लोगों का डिनर भी, और मम्मी देख रहे हैं टीवी, मम्मी का सीरियल आ रहा है, बिजलू हमारा सो गया है, भोलू हमारा घूमने के लिए चला गया है खा पी करके। तो मैं करूँगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।